हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, राइट। तो सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ये फिगर आउट करने की कि क्या क्या कैसे इसको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो समझने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सारे एंगल से हम लोग लिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो हियर यू गो। आई हैव अ ब्लैंक स्पेस, नाउ आई कैन स्टार्ट। सो देखो, जब मैं प्रोफाइल व्यू में बनाऊंगा, तो कभी भी ना मैं बेसिकली सर्कल से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो कैसे स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब भी वीडियो देखो तो कॉपी करो, है ना, सेम चीज़ को कॉपी करो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, जब ये अपर लिप्स है ना, ये वाला जो है अपर लिप्स है, कैसा है, तो ऊपर ध्यान रहे ये ऐसा करके और ऐसा शेप है, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टर्न हो गया है। ये देखो नीचे कैसा है, नीचे राउंड है, ऐसा करके नीचे जो है राउंड रहता है ऐसे करके, और फिर ये यहीं जाके मिल जाना है इसको। तो देखो ये हो गया लिप्स, कितना ईजी है ना। अब थोड़ा सा शैडो दे दिया एंड ये लो लिप्स रेडी। तो हम लोग कई सारे तरह के लिप्स बना सकते हैं, लाइक कार्टूनी और ये सब, लेकिन एक बेसिक सा पहले आइडिया लग जाए कि स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके बाद कर सकते हैं धीरे धीरे। क्या ये देखो, ये हो गया। और जो नीचे वाला है वो है लोअर लिप्स, लोअर लिप्स, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं इसी लिप्स को जो है माउथ को ओपन करूं तो कैसा होगा। फिर से सिंपल से सर्कल से स्टार्ट किया मैंने, और ओपन करना है तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या है ना, ओपन करना, ओपन करने पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये आएगा। अच्छा, ओपन वाला जो है बनाएंगे, लेकिन पहले इसको भी देख लो ज़रा सा कि सामने से कैसा दिखेगा, है ना। फिर से वही, जब मैं प्रोफाइल बनाया था तो भी सर्कल था, और अभी जब इसे बना रहा हूँ ये भी सर्कल है। यहाँ पे बीच में ऐसा लाइन देना है, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा एक देख रहे हो, ऐसा करके लाइन देना, और इसे यहाँ से मैच करना है, और इसे यहाँ से मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे दे सकते हो, मैं बताऊँगा क्यों, ऐसा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ऐसा करके यहाँ पे एक राउंड दे दिया, यहाँ पे नॉस्ट्राइल होता है, तो इसको भी आप ऐसा करके इसलिए, खैर वो सब तो बाद में भी किया जा सकता है, पहले एक बेसिक सही है पता चल जाए। अब क्या है कि बॉयज़ का है कि गर्ल्स का है ये वाला, तो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखो, एक नॉर्मल सा जो लिप्स है कुछ ऐसा होता है, अभी जिसका मतलब बॉयज़ का लग रहा है तो बॉयज़ का मान लो, गर्ल्स का लग रहा है तो गर्ल्स का मान लो, ठीक है। ये देखो, ये हो गया अपर लिप्स, और ये देखो लोअर लिप्स।
देखो शेडो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा डार्क है, और यहाँ पे सामने लाइट है ना, तो ये काफ़ी 3D लुक दे रहा है, राइट। ये हो गया, और क्या है ना, अभी तो सिंपल लिप्स ही हम लोग कर रहे हैं, बाकी एक्सप्रेशन होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, उसको भी देखेंगे। तो मैं इसको कर रहा था, जब लिप्स ओपन रहेगी तो कैसा होगा। तो ये रहा लिप्स, उप्स सॉरी, जब लिप्स ओपन करेंगे ना तो क्या होगा, ये हमारे टिथ भी दिखेगी, तब तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ लेकिन वही ना, मेथड समझने के बाद उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, ये भी ध्यान रहे। तो ये हो गया, ये नीचे वाले टिथ जिस प्रकार से, ये देखो तो ये हो गया ओपन माउथ, ओपन माउथ। अगर ओपन माउथ को हम सामने से देखें तो वही कैसा लगेगा, फिर से वही सर्कल, देख रहे हो ना, कुछ बेसिक से शेप होता है उसको समझना है बस। तो ये ओपन में बीच में एक गाइडलाइन के लिए एक लाइन दे देता हूँ, और तो एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि यहाँ पे एक कर्व है जो माउथ को खुला रखेगा, और यहाँ पे क्या करो ना, लोअर लिप्स को बनाने के लिए इसका एक नीचे सर्कल करेंगे चिन के लिए, जिससे लिप्स का आइडिया लग जाएगा कहाँ से लिप्स जो है लोअर लिप्स कहाँ होगा। अब क्या है कि यहाँ पे टिथ दिखेगा, तो ऐसा टिथ मतलब ये जो अपर लिप्स है, देख लो ये वाला, ये जो अपर लिप्स है, ये अपर लिप्स के सेम डायरेक्शन में यानी नीचे देखो ऐसा टिथ बनाना है, उसी तरह है ना बस, और क्या। और ये जो लोअर लिप्स है उसी के सेम डायरेक्शन में ये ऐसा टिथ बनाना है, और बीच में क्या होता है, साइड साइड में थोड़ा डार्क कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है जीव होता है ना, तो ये ऐसा हो गया। ये देखो तो ये हो गया जीव का शेडो दे देने के बाद, और बेटर लग सकता है। तो ये मैंने दे दिया जी शेडो, ये देखो यहाँ पे नोस्ट्राइल ड्रॉ कर देता हूँ, कूल लग रहा है, सही है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर बताया कि ऐसा कर सकते हैं, बाकी तो आप अलग अलग एक्सप्रेशंस की बात आती है, तो अलग अलग एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने से पहले एक्चुअली जो फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाँ
केवल माउथ को भी बना सकते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन में, लेकिन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, लाइक उसके आईब्रो, उसका जो मैं बना के ही दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसको प्लेस कैसे करेंगे, माउथ को वो दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ तो नोस्ट्राइल होगा, ठीक। यहाँ पे लिप्स के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ये अपर लिप्स हो गया और ये लोअर लिप्स, राइट। तो ये मैंने बोला था ऐसा करना, ऐसा, ये देखो, ओके। ये देखो, तो मैं इन सब चीज़ों काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खैर मुझे लिप्स पे कोई ड्रॉ करना है इसीलिए, है ना। तो लिप्स को कैसे प्लेस करना है समझ में आ रहा है, ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और देखो लिप से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो होता है कि ना, अगर हम फ्रंट व्यू को देखें, फेस के फ्रंट व्यू को, तो लिप्स वहाँ पे कैसे प्लेस होगा उनको दिखाता हूँ। ये मैंने कर लिया सर्कल ड्रॉ, ये आई लाइन, ये फोरहेड लाइन, नोज लाइन, चिन लाइन, ये मैंने सर्कल को कर लिया कट, और यहाँ से यहाँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, नोज होता है, ये मैं स्कल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोज होता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक ऐसा करके, ऐसा, ऐसा होता है, ठीक है। और यहीं पे होता है आपका लिप्स, यहीं पे आपको लिप्स को समझना होता है। ये देखो ऐसे प्लेस करना है ना, सिंपल। बाकी इसको डिटेलिंग कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पे शेडो, शेडो कहाँ पे देना है आप समझ में आएगा, जब आप बेसिक शेप्स को जान जाते हो तो शेडो कहाँ देना है वो पता चल जाता है। ये कुछ ऐसा, राइट। तो ये नोज़ हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ से वो लाइन ऐसा करके जाएगा, और ऐसा, और यहाँ पे सर्कल होगा ऐसा, ठीक है ना। ओके, तो और कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं लिप्स के। और इसे चलो सिंपल शेप में डिवाइड करते हैं, देखो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ से एक लाइन गया ऐसा, यहाँ से एक ऐसा, यहाँ से एक ऐसा, और यहाँ से ऐसा,
यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा, यहाँ ऊपर से एक ऐसा, समझ पा रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ से ऐसा, क्या यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो आपका हो गया एक बेसिक शेप अवेलेबल। इसी को थोड़ा इस शेप में देखे तो ये देखो, तो ऐसा एक मैंने बेसिक आइडिया बता दिया कि कैसे जो है लिप्स को जो है ड्रॉ करते हैं, और काफ़ी डिटेल में जाना है तो रेफरेंस कई सारे हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी देखो। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन, सैड वाला एक्सप्रेशन बनाना, ठीक है, तो सैड वाला एक्सप्रेशन, सैड वाला में क्या होता है ना, अगर सिंपल शेप में समझे तो ऐसा कुछ होगा और ये ऐसा, ये देखो सैड बन गया, है ना, इजी है। तो एक बेसिक से कर्व्स को पहचानना है आपको कि सैड वाला कर्व कैसा होता है, तो ऐसा सैड वाला कर्व जो है ऐसा होगा, अब क्या होता है ना जब फेस में देखेंगे तो देखो ये सैड वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, और हाँ, काफी सही है। अगर हैप्पी वाला एक्सप्रेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये वाला जो सैड में क्या था ना ऐसा कर्व, और हैप्पी वाला जो कर्व बनाएंगे वो देखो कैसे बनाएंगे। हैप्पी वाला सिंपल, हम कोई भी इमोजी में भी देखते हैं ना तो सिंपल सा कर्व तो पता ही रहता है, ये वाला कर्व। अब इसी को डिटेल में ऐड करना है, तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप कहा कि पहले तो सर्कल बनाओ, ये सर्कल मैंने बना लिया, और ये देखो ये रहा, तो सही है, काफ़ी ऐसे इजी हो जाता है। नहीं, और ऐसा नहीं कि मतलब देख के आपको लग सकता है कि ये तो थोड़ा बहुत इजी है यार, लेकिन आपको जब करने जाओगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तो एक समय सच्ची में ये इजी हो ही जाता है। ठीक है, तो इतना हार्ड नहीं है, ये देखो काफ़ी सही लग रहा है।
मतलब कितना स्पीडली बन जाता है एक बार समझ में आने के बाद, है ना? ये नॉस्ट्रॉयल और किधर से लाइट आ रहा है उसको पहचानो, देन यू हैव अ गुड इनफ ब्यूटीफुल आइडियाज़। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो कभी भी बोलते समय कई सारे वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल वर्ड्स बोलते हैं, जैसे ओ, तो उसमें भी एक अलग शेप होता है, तो अल्फाबेटिकल उसको भी काफ़ी डिस्कस कर सकते हैं। जब एनिमेशन करते हैं तो उस समय ज़रूरत पड़ता है अल्फाबेटिकल, जैसे मुझे ओ बोलना होता है, तो ओ बोलने के लिए आपको, आप समझ रहे हो ना कैसे मुंह बनाना पड़ता है, तो ओ बोलने के लिए ओ जैसा मुंह बनाना पड़ेगा यार। तो इसमें कुछ ऐसा है, फिर से इसमें माउथ को ओपन करना पड़ता है, तो इसको यानी कि ऐसा करना पड़ेगा। ये देखो, उसी तरह कई सारे वर्ड्स ये अल्फाबेट्स हैं, जैसे ए बी, है ना, लिप्स अंदर चले जाते हैं, बी सी। तो आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ये कर सकते हो कि जितने भी अल्फाबेट्स बोलते हैं हम लोग, उन सब का प्रैक्टिस करो। जैसे ये मैंने ओ का बोला, ओ, ठीक है ना, तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जितने भी साउंड्स हैं उसका प्रैक्टिस करो, तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है, प्रैक्टिस के लिए मतलब ये होमवर्क हो सकता है, तो इसे ट्राई करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसा करके। तो मान लो अभी थोड़ा सा आप थोड़ा सा गुस्सा हो तो कैसा करते हो, ये ऐसा करके, तो वो एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं मैंने बनाया नहीं तो बनेगा कि नहीं, देखता हूँ। इसमें क्या होता है, जो टिथ निकले हुए होते हैं, और दोनों अपर टिथ और लोअर टिथ दोनों चिपके हुए होते हैं। हाँ, उतना भी बैठ नहीं बना, ठीक है। हाँ सही बना ना, ओके नाइस। तो मैं एक्चुअली अभी मुझे रेफरेंस माइंड में नहीं आ रहे थे, क्या होता है ना, मैं जब भी बनाता हूँ ड्राइंग तो रेफरेंस ऑलरेडी मेरे माइंड में रहते हैं, तो अभी नहीं थे, तो मैं खुद अभी ये करके देख रहा था, मतलब खुद ही थोड़ा गुस्सा होकर देख रहा था अपने आप को, सोच रहा था कैसा कहूँ, कैसा बनेगा मेरा फेस, उसी को मैंने ये कर दिया। तो एक्चुअली सारे रेफरेंस तो अपने माइंड में है पहले, अब प्रैक्टिस है तो फिर वो इजीली हम, अभी क्या होता है ना, कई सारे ड्राइंग हम लोग ये पिक्चर्स देख के समझते हैं, पिक्चर्स कुछ देखा और उसको देख के समझ गए कि जो है कि कैसे जो है ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करना है। तो मेरे में क्या हो रहा है, और एक समय क्या होता है कि मेरे में नहीं सब में होता होगा ऑब्वियसली, तो एक बार तो आप कुछ देख के याद रखते हो, मैंने मैंने एक पिक्चर देखा और फिर मुझे याद है वो चीज़, एक तो ऐसा याद रखते हो, दूसरा कि आप खुद से बनाना शुरू कर देते हो मैनिपुलेट। जैसे मैंने एरोप्लेन को देखा, तो देख के क्या किया, नहीं सॉरी, मैंने एक पक्षी को देखा, बर्ड को देखा, और उससे एरोप्लेन बना दिया, तो ये क्या हुआ, हमने अपने जो इलिस्ट्रेशन है हमने अपने माइंड में ही बना लिया, तो ऐसा हो जाता है। सही है,
ओके नाइस, सही लग रहा है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा स्केरी टाइप का। लेट मी शो यू कैसे बनाते हैं। यहाँ पे चलो बना लेता हूँ। स्केरी टाइप का थोड़ा सा, ही इस स्टाइल में थोड़ा सा बनाते हैं। चलो स्केरी टाइप का बनाने के लिए ये लो, मैंने कर लिया रेडी। थोड़ा वैसा लग रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे, वेम्पायर टाइप का। सॉरी। तो ये देखो थोड़ा सा वैम्पायर टाइप लग रहा है, तो कूल लगता है थोड़ा सा। नहीं ये लो, इसका जो है मैंने जी भी बाहर निकाल दिया। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, मतलब आप कुछ भी इमेजिनेशन में लाओ और ड्रॉ करो मस्त। पर्पस अगर सीखना है तो यार बहुत कुछ सीख सकते हो, मतलब फिर बहुत कुछ आएगा माइंड में बनाने को। पर्पस अगर कि जल्दी खत्म करके कुछ पैसे कमाने हैं तो भूल जाओगे, क्योंकि इसमें इतना पैसेंस लगता है, वो सब सोच के कभी नहीं होगा, जान लो। अभी देखो ना, वीडियो को कोई नहीं देख रहा होगा, आई एम डैम श्योर राइट नाउ। मतलब हो सकता है एक दो देख रहे हो, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं देख रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो मैं इससे ज़रा भी परेशान नहीं, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देख रहे हैं तो उनकी नीड नहीं है, तो नहीं देख रहे हैं। जिनकी नीड है उनके पास वीडियो चले जाए और वो देखे, दैट इज़ द पर्पस राइट। तो ऐसा कोई है नहीं कि नहीं देख रहे हैं तो मैं परेशान हो रहा हूँ, या फिर है ना कि बिल्कुल देखें, क्योंकि ये सीखना पर्पस है तो मस्त हो रहा है यार। अपना स्ट्रीम हो रहा है, मैं तो स्ट्रीम नहीं करता, नहीं भी वीडियो डालता, तो भी तो मैं ऐसे ही करते रहता हूँ। लेकिन मुझे स्ट्रीम का पता चला कि कैसे होता है, तो मैंने स्टार्ट किया और देखा कि यार सही है, वीडियो मेरा सेव रहेगा तो मुझे आइडिया पता चलता रहेगा ना, कि मतलब कैसा चल रहा है और क्या है। लोगों को जब दिखता है तो वो भी आपको देख के समझ जाते हैं कि बंदा तो सही बना रहा है यार, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, आप तो इम्प्रूवमेंट को देखते हैं, तो ये काफ़ी सही हो जाता है राइट। और हो ही रहा है इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे वो होता ही है ना। चलो काफ़ी सही लग रहा है, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, मुझे यहीं पे रुकना चाहिए। आप लोग बताओ कैसा लगा ये, अगर कोई देख रहे हो अभी या फिर कोई बाद में देखो तो बताओ कैसा लगा ये वीडियो। तो ज़्यादा मैंने बनाए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ बनाए हैं, तो ऐसे बनता है भाई। और आप भी कुछ सीखो तो बताओ क्या इसमें कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हो गया, लिप्स इतने इतने ही आइडिया होते हैं जो मैंने बताया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ आइडिया आपको यहाँ से मिल गया होगा, और बहुत सारे आइडिया अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, देख सकते हो, सर्च करो, समझो। कई तरह के आर्टिस्ट कई तरह के आइडियाज़ आपको देंगे, मतलब वो काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, उसको ऑब्जर्व किए रहते हैं, उसको ना मतलब है ना फील किए हुए रहते हैं, तो आपको वो बताएंगे। जैसे मैंने कुछ किया तो वो आपको साथ मैंने शेयर किया। जैसे मेरे पास अभी कोई रेफरेंस नहीं है, जस्ट मेरे इमेजिनेशन में, या फिर मैंने कई सारे ड्राइंग्स बनाए हैं ऐसे, तो ये बन जा रहा है। तो ऐसा है ना। तो आप भी करो ऐसे प्रैक्टिस, और डेफिनेटली आपका भी अच्छा रिजल्ट होगा।
सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आशीष ऑसम आर्ट वर्क. And bye.